हे गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक प्लांटर शेयर करने जा रही हूँ जो कि एक पुराने डब्बे से बना हुआ है। इसके लिए आपको जो जो सामान की ज़रूरत है वो है एक ब्लैक एक्रेलिक कलर, रेड एक्रेलिक कलर, ब्रश और एक पुराना डिब्बा। मेरे पास एक डालडा का डिब्बा पड़ा हुआ था जिसे मैंने यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। और मैंने एक इमोजी चूज़ की है, जो आप व्हाट्सएप इमोजीज आप यूज़ करते हैं उनमें से एक इमोजी मैंने चूज़ की है, गॉगल वाली इमोजी, और उसी को मैं इस डिब्बे पे ड्रॉ करूँगी। और इस डिब्बे पे ड्रॉ करने से पहले इस पे जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको मैंने रगड़ के अच्छे से धुल दिया है, जिससे कि इस पे जो चीज़ लिखा हुआ था वो सारा कुछ मिट गया है। अब ये डब्बा एकदम क्लीन हो चुका है। अब इसमें मैं एक इमोजी ड्रॉ करूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इमोजी को ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने गॉगल्स बनाए हैं ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ करके, मैंने इमोजी के ब्लैक कलर का गॉगल बनाया है इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है। इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके से मैं गॉगल बना रही हूँ, और इसी तरीके से आपको भी अपने प्लांटर पर गॉगल बनाना है अगर आप गॉगल वाला इमोजी बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद अब मैं इसके लिप्स बनाऊंगी रेड कलर का यूज़ करके, रेड एक्रेलिक कलर का यूज़ करके। गाइज, ये एक्रेलिक कलर बहुत सस्ते मिलते हैं मार्केट में, ये आपको 20 रुपये पर डिब्बी मिल जाएगा और प्रत्येक कलर आपको 20 रुपये का मिल जाएगा। अब मैं इसके लिप्स बना रही हूँ इस तरीके से, रेड कलर से। आप देख सकते हैं कैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसे। तो आपको ये जो कलर्स हैं ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, और बहुत सस्ते में आपका प्लांटर बन के तैयार हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे लॉकडाउन है और हम बाहर नहीं जा सकते, प्लांटर्स नहीं खरीद सकते, तो इस तरीके से आप घर में बहुत ईजली DIY करके अपने प्लांटर्स बना सकते हैं और अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। अब मैं ब्लैक कलर का यूज़ करके नोज़ बनाऊंगी इस इमोजी की, और इस तरीके से मैंने नोज़ बना दी। अब इसके बाद ये जो इसका एड्ज है, इस बॉक्स का जो एड्ज है ऊपर वाला, उसको मैं पेंट करूंगी एक कलर से, जिससे कि ये और सुंदर दिखे। और इसके लिए मैंने ये कलर बनाया है, और इससे मैं इसको ऊपर का जो एड्ज है इसको पूरा पेंट कर दूंगी। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा गाइस। और इसमें आपको डब्बे को पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा डब्बा पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी येलो कलर में होता है, तो इसे आपको पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही बहुत सुंदर लगता है। अभी जब पूरा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का लगेगा ये। मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँगी। देखिएगा कितना सुंदर, कितने सस्ते में और कितना कम पैसा खर्च किया, और कितना कम सामान यूज़ करके भी हम कितना अच्छा प्लांटर घर पे बना सकते हैं। इतना अच्छा प्लांटर आपको मार्केट में भी इतने कम पैसों में नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको कलर कर लिया है, और अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। देखिएगा कितना प्यारा लगेगा गाइस ये। थोड़े बहुत जो एडजेस में इधर उधर से वो है, फ़ैन बस से नहीं क्लियर हो पाती लाइनें, तो उसको मैं पतले ब्रश से इसको क्लियर कर दूंगी लाइंस को। और इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको पेंट किया हुआ है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पेंटिंग आने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस, बहुत बेसिक सा है। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।